हेलो दोस्तों, प्रसन्न मैचर उन्हीं के आपको स्वागत है। देखिए अभी एक ऑफर आया है FPA की तरफ से। अगर आप FPA में अकाउंट करते हैं तो आपको वहां पर 26 रुपीज मिलेगा सीनियर बोनस, और आप अगर आप रेफर करते हैं तो आप वहां पे आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करें कि FPA अकाउंट कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको रेफर करना है, कैसे अर्न करना है, क्या उसका टर्म एंड कंडीशन है और आप कितने तक अर्निंग कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलने वाला हूँ। ऑफर स्टार्ट आज से हुआ है। अगर आपको FPA में एक अकाउंट क्रिएट करना है और KYC करना है और अर्निंग करना है तो आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आप पाजिए और आप वीडियो पहले देख सकें। तो चलते हैं वीडियो टॉपिक में। FPA में एक ऑफर आया है, वो 21 जनवरी से लेके आपको मिलेगा वो ऑफर 25 जनवरी तक। अगर आप 21 से लेकर 25 जनवरी के अंदर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप 26 रुपीज बोनस मिलेगा। अगर आप कहीं पर भी रेफर करते हैं और वो आपके रेफर लिंक के थ्रू, रेफर लिंक नहीं, वो आपके रेफर कोड के थ्रू अगर एक अकाउंट क्रिएट करता है तो आपको वहाँ पर 100 रुपये तक कैशबैक मिल सकता है। तो चलते हैं वीडियो में, पूरा कंप्लीट बात करेंगे। आपको अगर FPA का लिंक नहीं मिला है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है FPA का, आप वहाँ से आकर FPA को लिंक क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर से FPA का अकाउंट को डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड कर लेंगे, ओपन करिए, आपको देखिए यहाँ पर लॉग इन अकाउंट आ रहा है, तो आपको यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है। जब भी आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। देखिए अगर जो जिसके आधार नंबर पे मोबाइल नंबर लिंक है वो आधार नंबर यहाँ पर क्लिक करिए, क्योंकि जो भी KYC करने टाइम में बहुत आसान होता है। नहीं भी है तो चलेगा। तो उसके बाद क्या कैसे KYC करना है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। मगर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए। और यहाँ पर इनवाइट कोड, तो इनवाइट कोड में यहाँ पर साइट में दिख रहा होगा इनवाइट कोड, इस इनवाइट कोड को एंटर करिए। अगर आप इनवाइट कोड एंट्री नहीं करते तो आपको वहाँ पर 26 रुपीज जो भी बोनस है वो नहीं मिलेगा। वहाँ पर इनवाइट कोड आप मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा इनवाइट कोड होगा, आप इनवाइट कोड को वहाँ पर डाल लीजिए। तो इनवाइट कोड डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करिए। जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, एक अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ होम पेज आएगा। तो अभी ये होम पेज है, तो होम पे जाने के बाद आपको वहाँ पर ट्रिपल लाइन पर क्लिक करना है। ट्रिपल लाइन पर जब ट्रिपल लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको KYC का ऑप्शन है, आप KYC के ऊपर क्लिक करेंगे। तभी आप KYC के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट का है। आप वहाँ पर आधार नंबर क्लिक करना पड़ेगा। जब आधार नंबर क्लिक करेंगे आपका आधार नंबर पे जिस जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP को एंटर करिए और ऊपर वहाँ पर जो लिख रहा है आप कोई भी एक 4 नंबर वहाँ पर डाल दीजिए और सबमिट पर क्लिक करिए। उसके बाद आपका जो भी FPA अकाउंट है फुली KYC हो जाएगा। उसके बाद अभी बात करते हैं जिसके पास मोबाइल नंबर है नहीं OTP के थ्रू, जिसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं आधार में, तो उसको वो क्या करेंगे। तो पहले वो जाइए अकाउंट सेक्शन पे। जब आप अकाउंट सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए पे ऐड मनी, ऐड मनी पे आप कुछ भी एक अमाउंट ऐड कर लीजिए। जब ऐड करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर यहाँ पर लिखेगा ऐड मनी करेंगे यू आर नॉट ऑथराइज्ड, काइंडली कंप्लीट KYC। तो वहाँ पर आपको क्लिक, आपको जो नीचे 3 नंबर है नीचे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो एक व्हाट्सअप नंबर या व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा आपका। वहाँ पर आपको जो भी आधार कार्ड आगे पीछे का फोटो क्लिक करके और आपका नेम, मोबाइल नंबर और आपका कंप्लीट जो भी आप ईमेल आईडी दिए हैं उसको दे के आप वहाँ पर सबमिट कर लीजिए। मगर टाइम पीरियड लगेगा, 1-2 दिन के बाद आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। मगर जिसका आधार नंबर पे मोबाइल नंबर लिंक है उनका जो KYC वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इतना काम करना है। उसके बाद है आपको 26 रुपीज़, देखिए यहाँ पर मुझे 26 रुपीज़ मिल चुका है, 26 रुपीज़ मेरा ऐड हो चुका है। अभी आपको रेफर कैसे करना है, देखिए रेफर करने के लिए एक टर्म एंड कंडीशन है FPA की तरफ से। आपको आपके अकाउंट में 100 रुपये ऐड करने हैं, आपको बस 100 रुपये ही ऐड करने हैं। अभी आप ऐड करिए और बाद में उसको आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ऐड मनी करने के लिए आपको चाहिए वैसे ऐड मनी पे। आप जब भी ऐड मनी करेंगे तो ऐड मनी करने के बाद आपको वहाँ पर 100 रुपये क्लिक करिए, 100 रुपये ऐड मनी करिए और आपका UPI के थ्रू या अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट या पेटीएम में या फोनपे या गूगल पे थ्रू आप ऐड मनी कर सकते हैं। जब भी ऐड मनी कर लेंगे तो ऐड मनी हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, हम अभी विड्रॉल कर लेते हैं। तो विड्रॉल करने का सेम प्रोसेस है, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा होम पेज में, पे का ऑप्शन है, पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब भी पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको UPI के थ्रू जाना है और UPI पे आपका जो भी UPI है यहाँ पर आपका UPI एंटर करना है और नेम अपना आ जाएगा बिल्स और अमाउंट आपको 110 रुपये ऐड करना है, क्योंकि आपको 26 रुपये वहाँ पर मिला था और आप 100 रुपये ऐड किए तो 110 रुपये, क्योंकि 12 रुपये अकाउंट में बैलेंस रहता है। तो 100 रुपये ऐड करके और आप कोई भी रिमार्क्स दे दीजिए और सबमिट करिए। देखिए जो अभी सबमिट करने वाला एक MPIN मांगेगा, तो आपके मोबाइल जब भी आप अकाउंट कंप्लीट कर लिए तो आपके मोबाइल पर MPIN आया होगा, उसको आप नोट कर लीजिए और MPIN आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए, तो जो अमाउंट था वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा।
बस काम आपका खत्म। उसके बाद आपको क्या करना है, होम पेज पर आने, ट्रिपल लाइन पे आने, ट्रिपल लाइन पर आके आपको इनवाइट फ्रेंड करने। आप जब इनवाइट फ्रेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका जो भी आपका जो कोड है, आपका जो रेफरल कोड है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको वहाँ वो दिखाई नहीं दे रहा है तो वो दिखाई देगा, नहीं तो आप शेयर भी कर सकते हैं वहाँ पर, इनवाइट फ्रेंड कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, मैसेंजर पे, कहीं किसी से भी आप शेयर कर सकते हैं आपका इनवाइट कोड को। और अगर कोई भी गूगल पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं एपे अकाउंट को, तो आपका वो रेफर कोड अगर वहाँ पर एंटर करते हैं तो आपको साइनअप आपका जो भी रेफरल ऑन का मिल जाएगा। तो रेफर ऑन कितना मिलेगा, 100 रुपये तक मिलेगा, मगर ऐसा नहीं कि आपको 50 रुपीज़ से लेकर 100 रुपये तक मिलेगा, हो सकता है 60, 70, 80, 100 भी मिल सकता है। तो आप ये ट्राई करिए, अभी जाइए और एक एपे में अकाउंट क्रिएट करिए, और एपे अकाउंट के जो भी मेरा इन्वाइट कोड है वो एंटर करिए, केवाईसी कंप्लीट करिए और 100 रुपये ऐड करके विड्रॉल कर लीजिए, और आप इन्वाइट कोड को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। देखिए बहुत छोटा सा अमाउंट है, वो 100 रुपये ऐड करने और आपको अभी 100 रुपये मिल सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो कि कैसे आप एपे में एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे 100 से ज़्यादा रुपये रेफर ऑन पे ऑन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आप मेरा वीडियो देख पहली बार मेरे चैनल पर है तो आप पहले एक वीडियो अपलोड कॉइन डिशेज का, कॉइन डिशेज 300 रुपये तक ETH कॉइन फ्री दे रहे हैं। आप अगर वो वीडियो देखे नहीं तो आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जब वो वीडियो देख सकते हैं, और कॉइन डिशेज में अकाउंट क्रिएट करके रेफर ऑन करके उसमें काफ़ी सारा अर्निंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, मैं चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए कि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप जाए और वो वीडियो पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया जानकारी लेके।